जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रेंड्स। ये दिखाते हैं आपको स्टिचिंग का तरीका, नाइस तरीका क्या होता है। ये हमने लेसर लगा ली हुई है, ठीक है। इसके नीचे हमने फिनिशिंग का कपड़ा लगा दिया इस तरह, साथ में इसको कर लिया हुआ काफ़ी, शोल्डर कर लिया हुआ ताकि इसके धागे ना निकले। अब उसके बाद क्या करना था, जो एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन है ना, इसको हम ओवरलक नहीं करेंगे, इसको नीट तरीके से इस तरह जो है वो स्टिच कर रहे हैं अंदर की तरफ। जैसे ये आप देख रहे हैं, इसको स्टिच किया हुआ है और ये बाहर की तरफ से देखिए कितनी नीट तरीके से फिनिशिंग साथ बैठ भी गई हुई है, और अंदर की तरफ से इसको ओवरलॉक करवा दिया, साथ इसको अंदर की तरफ जो है ना, जैसे ये मार्जिन था इसी तरह हमने इसको जो है ना वो स्टिच कर दिया हुआ है। आप भी इसी तरह काम किया करें ताकि उसको ओवरलॉक ना करना पड़े, उसकी जो फिनिशिंग है, उसकी जो नीटनेस है, उसकी जो मजबूती है, वो काफ़ी टाइम तक लॉन्ग टाइम तक सूट जो है वो पहना जा सके, ठीक है। इसी तरह आपने जो है ना इसको स्टिच कर देना है, और ये जो सिलाई होगी ये हमारी इस लेस के ऊपर आएगी। जैसे ये लेस के ऊपर सिलाई आ रही है पता भी नहीं चल रहा, और यहाँ पे अंदर से भी देखें कितनी नीट तरीके से जो है ना, और गेंजा ख़राब होगा ना, इसके धागे निकलेंगे और ना ये काम ख़राब होगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको पहले भी दिखाया था कि इस तरह जो है ना बॉर्डर साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसको सेंटर से हमने कटिंग किया है, तो कटिंग करने के बाद जो है ना, क्योंकि स्पेस कम थी, अब क्योंकि हमने डिज़ाइन तैयार करना था, तो इसलिए हमने ऑर्गेन्जा लेके उसको डाई करवा कर फिर इसको क्या इस तरह सिलाई लगाई। जैसे ये सिलाई लगाई दूसरी तरफ, इसी तरह सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ये फ्रंट दामन तैयार किया हुआ है, इसी तरह हम आपको बैक दामन तैयार करने का तरीका सिखा रहे हैं कि इसको बैक दामन जो है वो कैसे तैयार करते हैं, और इसकी जो फिनिशिंग है, इसकी जो नीटनेस है, देखें इसको ओवरलॉक की कड़ी ज़रूरत नहीं है, सारा मार्जिन उसी के अंदर है। यहाँ पर ओवरलॉक कर दिया हुआ, ये इनर इसके अंदर आ जाएगी, और ये होगा कि ये जो बॉर्डर है इसके धागे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने इसको शोल्डर कर लिया, और जैसे इसके अंदर शोल्डर किया है इसी तरह इसको शोल्डर किया ताकि ये नीट तरीके से बैठा रहे। अब देखिए कितने नीट तरीके से इसको तैयार किया हुआ, इसकी कोई धागे शागे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। इसी तरह जो है ना हम आपको बैक साइड का बॉर्डर तैयार करके दिखाते हैं। पहले हमने एक सिलाई लगा दी हुई है, अब दूसरी सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं दूसरी सिलाई लगाने का तरीका। जब भी कपड़े पे सिलाई लगाते हैं पीछे से इस फिंगर से आपने कपड़े को खींचना है, और यहाँ पे जो है ना सिलाई का हाथ रखना है ताकि कपड़ा ऊपर नीचे या इसमें कोई लचक ना आए कपड़े में, ठीक है, वरना सिलाई जो है वो नीट नहीं लगती। इसको हमने प्रेस नहीं किया, उसी तरह लगाएंगे। आप भी देखेंगे बिना प्रेस के कितने नीट तरीके से हम इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें अंदर की तरफ से कितने नीट तरीके से सिलाई लगी हुई है, और बाहर की तरफ से देखें स्पेशली वीडियो जो है आपको खुद काम करके इसलिए बताया जा रहा है ताकि साथ साथ आपको समझाया जाए। ये चीज़ें वर्कर से वर्कर भी हमारे करते हैं, लेकिन आज वीडियो जो हम तैयार कर रहे हैं स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, मबिन के लिए दो पट्टियाँ दे दीजिए। ये जो चीज़ें हैं ये हमने फ्यूज़ लगा के इसके अंदर, देखें कपड़े के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कितने नीट डबल मेहनत की हुई है, इसको फ्यूज़ की हुई है सिलक को, उसके बाद जिसके ऊपर चिपकाया हुआ इसको भी हमने फ्यूज़ किया हुआ। ये ना तो कभी कपड़ा ख़राब होगा ना खट्टा होगा, ठीक है। इसी तरह हर फ्यूजिंग के साथ हमने जो है ना इसको तैयार किया हुआ है, देखें साथ पेपर है साथ फ्यूजिंग है। पेपर सिर्फ आप पेपर लगाएंगे ना तो इस पर बबल बन जाते हैं, अगर आप फ्यूज़ करके पेपर लगाएंगे ना, अगर बुकरम लगाएंगे फ्यूजिंग करने के बाद, अगर पेपर को साथ चिपकाएंगे तो कभी बबल नहीं बनेगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब बुकरम लगा रहे होते हैं तो वो जो है बबल बनता है, वो इसी रीज़न से बनता है कि आप उसको फ्यूज़ नहीं करते। जब फ्यूज़ करने के बाद पेपर लगाएंगे तो उसके बाद कभी बबल नहीं बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना जी, आपने सबसे पहले ना धागे जो साथ साथ सिलाई करते हैं उसको काटने, ये नहीं छोड़ने। ये काम सीख रहे हैं, पहली शर्त ये होती है कि आपने साथ साथ धागे जो है वो कटिंग करने ताकि वो बैड ना लगे। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके स्कैलप को ना इक्वल कर लेना है, फिर हम चेक कर लेंगे मतलब कितना हमारे पास जो है ना वो काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको इक्वल करते हुए
पहले सिंगल इसको सिलाई लगाएंगे ताकि इसकी जो लाइंस है वो इक्वल हों, जैसे ये है ना, इस डॉट को, इस डॉट को, इस डॉट को इक्वल रखेंगे, ठीक है। और साथ का पेपर है तो वो आपको पता, छोटे सिलवटे आएंगे वो उसी के अंदर जो है वो कवर होने चाहिए, वो बाहर की तरफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसको इस तरह किया तो सिलवट आ रही है ना, कोई बात नहीं, आने दे उसको, अंदर ही आएगी वो, ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज़ें सीधी रखनी है अपनी, अगर इसको पेपर को सीधा करेंगे तो ये ऊपर आएगा, आपने ऊपर नहीं रखना, आपने अलाइनमेंट जो है वो इक्वल रखनी। इसी तरह आपने इसको फ्यूज़ कर लेना, फ्यूज़ करने के बाद इसको इस तरह जो है ना सिलाई लगानी है। आप देख रहे हैं किसी चीज़ को नया तो खींच रहे हैं हम, ना इसको जो है ठीक हो गया, ये इसी तरह आ जाएगा नीट तरीके से, ओके। लेस जो लगानी है वो हम बाद में लगाएंगे। हाँ जी, अब जो करना है वो आपने ये स्कैलप का जो रोप है ना उसको आमने सामने लाजमी लाना है, ठीक है। सिर्फ आपने इसको जो है ना वो सीधा रखना है, कोई रखना है, बाकी आपने ऑर्गेन्जा की ना पेपर की वो टेंशन नहीं लेनी, आपने सिर्फ ये अलाइनमेंट जो है ना वो सीधी रखनी है, आपके स्कैलप जो है ना वो सीधे आने चाहिए। ये ऑर्गेन्जा होता है ना तो ये ऊपर नीचे आगे पीछे होता है, इसकी टेंशन नहीं, आपने सिर्फ पहला स्कैलप अपने इक्वल रखना है, बाकी हमने जो कटिंग है ना वो इक्वल की थी, इसलिए आप देखें ये इक्वल आते हैं। और सिर्फ आपने पहले जो है ना लगाने से पहले इक्वल रखना है, बाकी साथ साथ जो है ना वो क्लियर होते रहते होते हैं। आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते रहते हैं सिलाई की, पहले भी दिखाई हुई है, अब भी दिखाते रहते हैं स्टिचिंग की साथ साथ कटिंग की, मौका मिले तो हमारे जो सूट तैयार होते हैं ना ये दोनों को लगा दिया हुआ है। अब क्या करना था, ये आपको पता है इसके सिलवट आई है, अगर इसको ज़्यादा पेपर रखते इसकी मोटी सिलवट होनी थी, इसलिए हमने छोटा पेपर इसके लिए यूज़ किया था। अब इसको हमने फ्यूज़ कर लिया हुआ है साथ वाली पट्टी को, ताकि उसको नीट तरीके से दोबारा जो है वो तैयार करें, ठीक है। ये अब आपको दिखाते हैं यहाँ से रख के, ठीक है, इस तरह रखेंगे, ये गुम सिलाई हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इस लेस को रख के इधर रखेंगे, ना जोर का पता चलेगा, एक काम देखे कितने नीट से, थोड़ी सी तो मेहनत लगती है काम में, जितनी मेहनत होगी उतना ही वो नाइस लगेगा, ठीक है। इसका पैटर्न आपने देख लिया हुआ है, हर बंदे का अपना पैटर्न होता है, हमारी अपनी साथ ही में इसको दूसरे पीस को लगाएंगे। ठीक है, आपने भी इसी तरह ही करना है और इसको कुछ भी नहीं करना,
ना इसको क्या किया था, इसको ओवरलॉक कर लिया हुआ पहले, जब इस जोड़ को लगाया ना, जैसे ये जोड़ लगा दिया हुआ है, इनको ओवरलॉक कर लिया हुआ है। अब रख के इधर इस जोड़ के साथ हम जोड़ को लगाएंगे इसके ऊपर, ताकि सॉफ्ट सॉफ्ट सी वो जो चीज़ है हमारी स्टिचिंग है वो नाइस तैयार हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना कि इसी तरह रख के इसको इक्वल तरीके से जो है ना आपको काम की समझ आ रही होगी के साथ साथ कितने नीट तरीके से इसको जो है वो काम भी लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लियर। अब इसको क्या करना चाहिए, इसको बैक डाउन के साथ जैसे अटैच करेंगे हम, ठीक है। सिलाई लगा देते हैं किनारे पे लेस को, तो ला दो खिड़की गई मौके। इस तरह आपका ऑर्गेन्जा जो है ना वो डबल पकड़ में आएगा, यानी कि इसमें खींचने से भी नहीं छिजेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको डबल डबल सिलाइयाँ लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे जी, अब सबसे पहले दामन वाला जो बॉर्डर है ना वो यूज़ करेंगे। हाँ जी बाबा डोर, इसका दामन वाला बॉर्डर किधर? ये स्लीव्स के बॉर्डर हैं। ओके सताइए बाद दसना कि लो जी, अब जो है ना इसको हमने इस तरह स्टिच किया है। एक यही डिजाइन कितना टाइम ले रहा है आप खुद देखें। देखो ना रख के
इस तरह नीट तरीके ना सिलाई लानी, ठीक है। एक गमू भी होएगा तो थले लेस नू सिलाई भी थोड़ी लग जाएगी, ठीक है भी? जी सर जी, समझ आ गई जी। चलो एक ही फिरकी में होगी, पता नहीं सर जी धागा खत्म हो गया, फिर की भर दी बनाइए अदरों। लैस भी बैठ गई, ओके जी। टूट गया किनारे बकरा सिंह लग गया आगे नालो नाल सही हो गया। अरे अंदर ना पल लगेंगे, ठीक है, मोती लगेंगे जी। हूँ हूँ क्या अपना हूँ बैक दामन ले लेना, बैक दामन नाल तुसी जरा स्टिच करना, ठीक है जी। क्यामत लगी हुई बाबर क्यामत धमके तो ला के बखा ये बाबर सही धमके ला रहा है, ये तो अरबियां नु पता नहीं सी, नहीं तो चुप के दवाई ला जाना सी। आहो सही कह रहा क्या नहीं बाबर सऊदी ला के जा रहा है, अरबियां नु हले तेरे डिमांड का पता नहीं सी, अरबियां पता था ना उन्होंने लोग चौके नहीं बुलाई जाना सऊदीया सऊदीया नहीं दुबई दुबई सऊदी वाले अरबी दे कोई काम नहीं करते नाल। अच्छा जी सही हो गया, इनसे बड़े अरबियां ना काम है। अच्छा हां शेख बड़े शेख साहब ना बोले कह रहा आते तू बुर्ज खलीफा तो खिलाड़ के मनाड़े पसंद दिखाइए लो जी फाइनली लुक के साथ सूट हो गया तैयार। अब देखें इसकी फिनिशिंग कटवर्क और शोल्डर कैसे तैयार किया हुआ है, इसके स्कैलप कैसे बनाए हुए, पल्स कैसे लगे हुए, इसके नीचे जो इनर लगी हुई है वो कपड़ा कौन सा है और फिनिशिंग किसके साथ की, लेस को डाई कैसे करवाया हुआ, हर चीज़ आपके सामने जो तैयार किया है, ये सारे चीज़ें मोटिव जो लगे हुए हैं ये सारे एप्लिक हुआ हुआ, एप्लिक कितने नीट तरीके से हुआ है, इसके अंदर जॉइंट लेस लगाई है वो कैसे लगी हुई है, इसके पूरा पैटर्न आपसे शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी स्टिचिंग कैसी लगती है, और अगर अच्छी लगी है तो लाजमी इसमें कमेंट्स में बताइएगा जी। और
अगर फेसबुक पे जाना हो तो फेसबुक पे भी हमारा यही सेम नाम है, नूर बतीक एंड स्टिचिंग। अगर पिक्चरें देखनी हो तो आप हमारे द नोटेड आईडी पे विजिट करें।